वेलकम बैक टू माई चैनल रूपल चौधरी व्लॉग्स। और अभी बजे हैं दोपहर के 1:30 और जस्ट मैंने अभी लंच किया है और जिसको नहला करके सुला दिया था और वो अभी उठा है तो उसको भी दूध पिला दिया। वो भी थोड़ा खेल रहा है, मस्ती कर रहा है अपने मामा के साथ अंदर। और मैंने सोचा कि चलो मैं भी बाहर जाके थोड़ा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना व्लॉग आज बनाऊँगी लेकिन वो बन नहीं पा रहा था किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मिलता नहीं है इतना बच्चे के साथ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी अपनी रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने टेस्ट कराने के लिए दिल्ली हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे बुलाया था। बस उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला ना, मैंने अभी तक ये बताया कि मेरी रिपोर्ट आई या नहीं आई या रिपोर्ट में क्या आया, ऐसा मैंने कुछ अभी तक दिखाया नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास कुछ कमेंट आए, जो कमेंट किए हैं वो किसी और के ब्लॉग पे किए गए हैं, तो वो भी मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मेरी रिपोर्ट में डॉक्टर ने क्या बताया और डॉक्टर अभी किस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे रिपोर्ट देख सकते हैं, सभी में नोड डिटेक्टेड आया है। बाकी डॉक्टर ने भी बोला है कि ज़्यादा ऐसा कुछ खास रिपोर्ट में आया नहीं है, बस थोड़ी से जो पस की क्वालिटी है वो थोड़ी पुअर क्वालिटी में आया है। बाकी उसके लिए मैं डॉक्टर ने मेडिसिंस तो दे ही दी है, अभी देखते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये सभी रिपोर्ट्स मेरी नेगेटिव ही आई है। अभी कल्चर टेस्ट, टिश्यू टेस्ट, टीबी टेस्ट सब नॉर्मल है, सिर्फ कुछ मेडिसिंस जो है वो शो अप हुई है। तो डॉक्टर ने जो अभी ट्रीटमेंट चलाया है वो ये है कि अभी मेरी दूसरी एंटीबायोटिक्स चलाई गई है और बाकी अमीकासिन के इंजेक्शन्स हैं 500 mg के सुबह शाम के इंजेक्शन्स। तो मैं उसको एक बारी में लगा लेती हूँ, तो 1000 mg का यानी 1000 mg का एक इंजेक्शन मैं एक बार में लगवा लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हार्ड इंजेक्शन है तो इसलिए वो मसल्स में लगते हैं। बस अभी मुझे वो इंजेक्शन्स लग रहे थे, जो मेरा ऑपरेशन जून में हुआ था उस टाइम पे भी मुझे वो इंजेक्शन्स लगे थे, लेकिन मेरा जो उस टाइम पे कोर्स चला था वो सिर्फ 5 डेज़ का चला था। उसके बाद अभी जो मेरे इंजेक्शन्स के कोर्स चलाया वो डॉक्टर ने 7 डेज़ का चलाया, लेकिन फिर डॉक्टर ने थोड़ा और बढ़ा दिया 2-3 दिन के लिए, तो मेरा पूरा 10 डेज़ का कोर्स हुआ है। तो मेरे 10 डेज के वो अमीकासिन इंजेक्शन्स लगे हैं। उसके बाद जो डॉक्टर ने मेडिसिंस दी हुई है वो मुझे एंटीबायोटिक्स दी हुई है उसके साथ में, और विटामिन सी है और A to Z है, इसमें सब विटामिन आ जाते हैं, मतलब आपके A to Z तक सब विटामिन उसमें आ जाते हैं। तो ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये मेडिसिंस चलाई हुई है, ये मेरी परमानेंट अभी चलती रहेगी जब तक पूरी मैं ठीक नहीं हो जाऊँगी। तो बस एंटीबायोटिक्स और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ही मेडिसिंस दी जा रही है, वरना ऐसा कुछ और डॉक्टर ने मुझे अलग से मेडिसिंस नहीं दिए। और मेरी डेली ड्रेसिंग हो रही है, डेली ड्रेसिंग कराती हूँ मैं अपने डॉक्टर के पास जाके। तो अभी फ़िलहाल जो जख्म की कंडीशन है वो जब मेरी रिपोर्ट आई उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा पानी आ रहा था, पानी कह लीजिए या फिर ब्लड कह लीजिए, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था, क्योंकि जो मेरा टिश्यू टेस्ट लिया था जिसमें वो उन्होंने मांस के टुकड़े कट किए थे तो उसकी वजह से उसमें से ब्लड आ रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे ड्रेसिंग जब डेली होने लगी तो वो कवर अप हो गया, और उसके बाद फिर वो इंजेक्शन्स चलने लगे। जब मेरी रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, मतलब अभी इतना ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है और बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है अभी। और हीलिंग प्रोसेस जो बता रहे हैं अभी भी डॉक्टर वो स्लो ही है, चाहे इंजेक्शन लगे या कोई दवाई चले वो स्लो ही है। प्लीज़ आप ये जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई हूँ तो बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो मैं बोल रही थी कि जो मेरे इंजेक्शन्स वगैरह चल रहे थे उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी नहीं है। वो अभी उसके लिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी 1 महीने तक और ड्रेसिंग करानी होगी, क्योंकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो इस वजह से ड्रेसिंग थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगी। अगर मैं ठीक ठाक, मतलब हीलिंग प्रोसेस जो ठीक ठाक रहती तो वो थोड़ा जल्दी कवर अप हो जाता। तो ये है मेरे ट्रीटमेंट जो अभी डॉक्टर चला रहे हैं। और अभी मुझे कुछ टाइम, मतलब अभी 2-3 दिन पहले मुझे पीछे भी थोड़ा पेन महसूस हो रहा था, पीछे पिलोनेडल साइन जहाँ पे हुआ था, तो वो जख्म तो भर चुका है, थोड़ा बहुत रह रहा है जो मतलब थोड़ा बहुत बाद में रह जाता है, ऊपर स्किन आनी रह जाती है वो रह रही है, तो वो भी धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस। तो मुझे ना उसमें 2-3 दिन से कुछ थोड़ा पेन महसूस हो रहा था और मैंने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो दबाने से कोई पस वगैरह या कोई वैसा नहीं लग रहा है,
बाकी फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे वो पेन अपने आप ठीक होने लगा। अभी भी है, जैसे मैं बैठती हूँ तो मुझे अभी भी वो पेन लगता है, लेकिन वो जो पेन वैसा नॉर्मली पेन कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी जो पीछे की स्किन है वो थोड़ा कच्ची है और जिस हिसाब से वहाँ पे जख्म था तो वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पास होता है, तो इस वजह से वो पेन हो सकता है। तो ये चीज़ डॉक्टर ने बोली। साथ में मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या डॉक्टर मुझे ये बैठने से या थोड़ा खिंचाव होने से या उठने बैठने की वजह से भी ये पेन हो सकता है। तो डॉक्टर ने माला बोला कि बिल्कुल हो सकता है, कि हो सकता है कि हल्का सा खिंचाव भी उस पर आ जाए तो भी आपको वो पेन महसूस हो सकता है, साथ में आप ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो भी वो आपको पेन महसूस हो सकता है। तो अभी जख्म जो है कच्चा है इसलिए वहाँ पे बार बार पेन आपको महसूस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उस जगह को सूखा रखना होगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, बाकी थोड़ा उठने बैठने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और रही बात पेट की, तो पेट में भी मुझे अभी पेन महसूस होता है, और जब मुझे पेन महसूस होता है तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि भगवान अब कोई आगे दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि छोटे 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 पेन से ही प्रॉब्लम बड़ी बड़ी मेरे साथ कई बार लगातार हुई है, कि एक पेन ठीक हुआ दूसरी जगह पे हो गया, दूसरा ठीक हुआ तीसरी जगह पे हो गया, और ये चीज़ मेरे एक महीने के अंदर 4-5 बार हुआ है। मुझे तब से ना डर लगने लगा है कि हल्का सा भी दर्द कहीं पे महसूस होता है तो मैं डर जाती हूँ कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो जाए। और अब तो डॉक्टर भी डरने लगे कि जब मैं डॉक्टर से बोलती हूँ कि डॉक्टर मुझे यहाँ पे पेन महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं तुम हमें पेन बताती हो, और हमें डर चढ़ना शुरू हो जाता है। फिर मैं बोल रही थी डॉक्टर से कि डॉक्टर आपसे ज़्यादा डर तो मुझे ही लगेगा क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे साथ ही हो रही है। खैर भगवान करे अब ऐसा कुछ ना हो और ये सब चीज़ें ही के यहीं ठीक हो जाए। चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेनी है। मुझसे भी डॉक्टर ने प्रोटीन डाइट के लिए बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन डाइट लीजिए खाने में हो सके तो, और पसीने मत आने दीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा स्वेटिंग होगी वो उस जगह पे मॉइस्चर आएगा, नमी की वजह से इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नमी में इन्फेक्शन ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो और ज़्यादा बढ़ते हैं नमी में। तो पसीने और नमी बिल्कुल मत रहने दीजिए उस जगह पे, उसको खुला रखिए और ढीले ढाले कपड़े पहन के रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उस जगह को सूखा रखिए। और वैसे मुझसे डॉक्टर ने नहाने के लिए बोला हुआ है, तो मैं जब नहाती हूँ तो उस जगह को किसी प्लास्टिक से रैप कर लेती हूँ और बाकी नहाने के बाद वो ड्रेसिंग चेंज करा लेती हूँ। तो अगर आप लोगों के साथ सिजेरियन स्टिचेस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ आप एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए और देरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और साथ में इस चीज़ का जो पता चलता है वो सिटी स्कैन या एमआरआई के ज़रिए ही पता चलता है कि आपको इंटरनल कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा डर ये लगता है हम लोगों को कि ये इंटरनल ना हो, सिर्फ बाहर की तरफ ही हो, तो इसीलिए डॉक्टर हम लोगों का सिटी स्कैन या एमआरआई कराने के लिए बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड बहुत छोटी चीज़ है, उसमें इतना क्लियर नहीं पता चल पाता, इसीलिए सिटी स्कैन और एमआरआई बोलते हैं। सिटी स्कैन में भी जो चीज़ें छूट जाती हैं वो एमआरआई में पता चल जाती हैं, इसीलिए डॉक्टर जो है वो एमआरआई कराने के लिए बोलते हैं। और मेरा भी जो अभी ऑपरेशन हुआ था तो उससे पहले एक एमआरआई कराया था डॉक्टर ने, जिसमें सब चीज़ों का पता चल गया था कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। तो बस आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है और इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कीजिए कि मुझे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। अगर आप लोगों के हीलिंग प्रोसेस नहीं हो पा रही है या वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप लोगों को एक बार डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या मुझे कोई टेस्ट करानी चाहिए। अगर वो मना करते हैं तो आप एक बार दूसरे डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सलाह लेने में किसी का कुछ नहीं जाता। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी किसी को दिखाए तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाए, छोटे मोटे डॉक्टर की उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले जाते हो और वो प्रॉब्लम आगे चल के बड़ी हो जाती है तो बाद में भी आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि आप स्टार्टिंग में ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लीजिए, और जनरल सर्जन ही इसमें ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आप किसी क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सिजेरियन इन्फेक्शन से है तो हमें गायनी के पास जाना चाहिए, तो गायनी इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखो मैं आपको सीधे से बता देती हूँ कि मैं भी ऐसे गई थी, तो गायनी कुछ नहीं कर सकती है। आप अच्छा होगा कि आप जब छोटा सा भी इन्फेक्शन अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप गायनी के पास ना जाके आप किसी जनरल सर्जन के पास जाइए, और अच्छे जनरल सर्जन के पास जाइए, वो ही इसमें कुछ करेंगे, तो तब जाके आपका वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। वरना आगे चल के अगर ये प्रॉब्लम बड़ी होगी तब भी आपको जनरल सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप पहले ही जनरल सर्जन को दिखा लीजिए, तो आपका जख्म जो है या आपका जो इन्फेक्शन है वो स्टार्टिंग में ही ठीक हो जाएगा।
तो बस यही नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई इन सब से जूझ रहा होता है या किसी को ये प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करता है तो लोगों को उतनी ही नॉलेज मिलती है। मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जब मैंने दूसरे की वीडियो देखी, जब मैंने और लोगों की वीडियोस वगैरह देखी, क्योंकि बहुत लोग हैं इस तरीके के। मुझे लग रहा था कि शायद ये सब चीज़ें मेरे ही साथ हो रही है, लेकिन बहुत लोग हैं जिसको ये प्रॉब्लम होती रहती है, और ये एक ऐसा हो गया है कि अब तो नॉर्मल सी चीज़ हो गया, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो प्रॉब्लम नॉर्मल तब तक है जब तक आप उसका अच्छी जगह ट्रीटमेंट करा के और वो जल्दी से जल्दी ठीक करा लेते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम हो जाए और वो ना ठीक हो तो वो फिर नॉर्मल नहीं होती, वो अब नॉर्मल हो जाती है। इसलिए आप उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराने के लिए एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए और अच्छी जगह पर ट्रीटमेंट चलाइए, तो तभी जाके वो आपके लिए भी अच्छा होगा और वो जल्दी से जल्दी ठीक होगी। बाकी ये नॉलेज मेरे पास थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप लोगों के पास कोई नॉलेज हो तो प्लीज़ मेरे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्या होता है कि इससे जितनी नॉलेज हम लोग दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हम लोगों की भी नॉलेज बढ़ती है और आप लोगों की भी बढ़ती है। तो लोग इस तरीके से ही YouTube पे ढूंढते हैं कि कहीं से कोई जानकारी मिल जाए, तो बस इसीलिए आप लोग भी मेरे साथ कुछ ना कुछ जानकारी जरूर शेयर कीजिए। कोई और क्वेश्चन, बाकी सबसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने की। बाकी अभी जो मेरा प्रोसीजर चल रहा है वो मैं आपको भी आगे बताती रहूँगी कि आगे आगे क्या क्या हो रहा है। तो अभी जो है ओजस ने आतंक मचाना शुरू कर दिया, वो काफ़ी देर हो गया उसको चूल्हे में बैठे हुए, और इसको मैं झुला नहीं रही हूँ तो इसने कूदना शुरू कर दिया है। बोलो हाय हाय, करो हाय। बोलो हाय हाय हाय। तो आप लोगों से बात करके तो ये पूरा खुश हो रहा है, बोलो हाय। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, ओजस ने ना अब मम्मा बोलना शुरू कर दिया है, और कल से इसने मम्मा मम्मा माँ मम्मा इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया। और जब ये एक चीज़ें बोलने लगता है, एक चीज़ बोलने लगता है, तो ये फिर उसी के पीछे बढ़ जाता है, और कल से ये मम्मा मम्मा ही बोले जा रहा है। तो ये एक मेरे लिए मेमोरी हो जाएगी कि ओजस ने अपने बर्थडे से पहले मम्मा बोलना शुरू कर दिया था। तो आगे चल के जब ओजस बड़ा होगा और ये व्लॉग्स देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने मम्मा बोलना कब शुरू किया था। वह तो गाइज मैंने अपनी रिपोर्ट और अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर दी, अपना ट्रीटमेंट आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या मेरे साथ चल रहा है अभी ट्रीटमेंट में। अभी मैं इस व्लॉग का करती हूँ ये पेंड। और हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।